बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर आते हैं। आज बेसिकली इसके बारे में बात करें, क्रेन ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। ये एक 50 KV की कैनोपी है जिसको हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो आज बेसिकली आप देखें किस तरीके से शिफ्ट हो रही है। इसमें प्रॉपर इन्होंने सेफ्टी या उसको बाईपास किया हुआ है भारत, मगर देख लें ये इस तरीके से भी काम होता है। ये भाई साहब हैं, इनके पास एक ये सारा सिस्टम है, गियर वगैरह है। इसमें गियर में मुख्तलिफ ये हाइड्रोलिक गियर्स हैं। इसमें बेसिकली ये कुछ अप का है, कुछ लो का है, कुछ बेल्ट नीचे आने का है, मुख्तलिफ उसके इनके पास ये जैक्स हैं। अब ये बेसिकली पुली से इसको ऊपर उठा रहे हैं। अब ये वाली जो ये कैनोपी है बेसिकली 50 KV की, जो भाई साहब अभी इसमें ये इसमें पट्टी इसकी बेल्ट को इसके अंदर हुक करेंगे। चेन हम लोग चेन कुप्पी इसको कहते हैं बेसिकली आम उसमें, तो इसमें डाल के अब ये इसी के साथ उठेंगे। ये इसको हम इधर डालेंगे, रखेंगे साइड पे रखेंगे, और दूसरी वाली कैनोपी जो जानी है उसको इसके ऊपर दोबारा डालेंगे। तो अब ये देखेंगे किस तरीके से कर रहे हैं। ये इसी के साथ उठेंगे इसको, जैक इसकी अच्छी खासी इसकी मेरे ख्याल से टन मुझे नहीं पता, इस क्रेन की बेसिकली टन के हिसाब से रेटिंग होती है, उस हिसाब से कितना लोड इसमें। खाली है कैनोपी, जनरेटर तो नहीं है, जनरेटर हम उधर रख चुके हैं दूसरी जगह, ये देख सकते हैं। इसको इसी के साथ खुदा है, इसको ये उतारेंगे इस तरफ। कैनोपी इधर रखेंगे, इन्होंने उतार दी इस पर। अब ये बेल्ट निकालेंगे इसकी, जो इसकी बेल्ट है दोबारा। भाई साहब के पास चलते हैं, इसको बेसिकली क्रेन को ऑपरेट करें। ये इसके सारे जो हैं गियर वो हैं, क्या कहलाएगा, गियर वगैरह कह सकते हैं आप इसको। इसकी पूरी जो बीम है, और ये इसकी मुझे याद नहीं आ रही, पोली कहलाती है, कुछ ऐसी कहलाती है। अब ये इसको उधर लेके जाएंगे, दूसरे वाले जो बेसिकली इसको लेके जा रहे हैं, दूसरे वाले ये जो पुराना है, ये कैट का एक बेसिकली इंजन था 50 KV का, वो यहाँ पे हमने उतारा है। जो उसकी कैनोपी जो बेसिकली बिल्कुल ख़राब हो गई थी, ये समंदर की तरफ है, साहिल की तरफ है, तो इसकी पूरी रेजिस्ट मतलब पूरी रंग आलूद हो गई थी इसकी कैनोपी। तो अब वो कैनोपी हमने हटाई है, ये वाली आपको जो सामने नज़र आ रही है ये वाली कैनोपी हमने हटाई है, और ये भी हम रखेंगे इसके ऊपर। फिर एक फाइबर की शीट होती है ऊपर, वो चिपकाएंगे, जिससे ये होगा कि इसकी लाइफ थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। कम से कम अगर ये फाइबर की जो हम शीट लगाएंगे, जैसे आपको ब्लैक कलर की सामने नज़र आ रही है इसके टॉप पे लगी हुई, इसी तरह अगर फाइबर की लगाते हैं उससे होता है कि इसकी लाइफ इंक्रीज हो जाए। उस फाइबर शीट की लाइफ में आपको बता रहा था कि 10 साल है, मतलब अगर धूप वगैरह इसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सारी जो है वो 10 साल तक की है, कि अगर ये लगाएं तो आपको ये ख़राब नहीं होगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो साहिल समंदर के करीब होते हैं उन पर ये शीट्स मोस्टली लग रही है आजकल, क्योंकि उसकी लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है उस शीट से लगाने से, और एक खूबसूरती भी आ जाती है थोड़ी बहुत। ये देखें, ये साहब दोबारा वही टेक्निक करें, बहुत रिस्की है मगर इनका रोज़ का काम तकरीबन होता है, तो ये इसको इतना कोई इनके लिए मसला नहीं होता। अब ये इसी में उठाएंगे दोबारा, किस तरीके से उठा रहे हैं क्रेन। इसमें मकसद इसमें कोई इतनी वो चीज़ नहीं है लर्निंग, मगर मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि एक क्रेन जनरेटर की कैसे, इसमें एक मैनुअली भी है मैंने बनाई है कि मैनुअली कैसे जनरेटर को निकाल लें, वो काफ़ी लंबी वीडियो है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको शॉर्ट शॉर्ट करके मैं आपको तरीका बता सकूँ कि ये किस तरीके से, मतलब आप खुद तो आप कभी भी नहीं करेंगे, मगर आपको एक आइडिया हो कि भाई किस तरीके से क्रेन ऑपरेशन हो रहा है। ये इसका बेसिकली मेरा मकसद था आपको दिखाने का, थोड़ी लंबी हो गई शायद वीडियो, जब भी बस मैं बस ख़त्म करूँगा।
असल मकसद ये था कि आप इसमें देख लें कि भाई किस तरीके से क्रेन का ऑपरेशन होता है, क्योंकि बाद वक्त जब जॉब पर होते हैं आपको आइडिया नहीं होता है मैं किस तरीके से करवाऊँ ये जॉब। जॉब करवाना बड़ा टास्क होता है, वो बेसिकली आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने सेफ मतलब अनसेफ एक्ट किया इसमें, ये ऊपर भाई साहब बैठ गए मगर किसी तरह फिर भी इन्होंने सेफली उसको दोनों को सही कर लिया, मतलब दोनों कैनोपियों को एक्सचेंज कर लिया जो उनको रिक्वायरमेंट थी। तो काइंडली अगर थोड़ी बहुत समझ में आए इस काविश को तो शुक्रिया।